हेलो दोस्तों, तो आपका प्रिय एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान हिंदी माध्यम, जो कि एक कक्षा छठवीं का है। तो इस वर्कशीट का हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे प्रिय एमपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसको देखकर हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष कक्षा तल पर कितने अंश का कोण बनाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है, ये है 23 सही 1/2 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 सही 1/2 अंश। इस प्रकार से इसका हो जाएगा आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है बा, इसमें दिया है पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा वृत्त का नाम लिखिए। तो बहुत ही विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। और इसके बाद में जो है फिर 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है। तो वो बनाती है 66 सही 1/2 अंश। तो ये हो गया पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने अंश का कोण बनाती है उसका आंसर हो जाएगा। फिर बताया है प्रश्न 2 में पूछा है, जिसका आ है, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में आए 2 बड़े बदलाव लिखिए। तो महाजनपद काल की काल में मतलब कि भूमि की बहुत ही उपजाऊ हो गई थी, मतलब भूमि बहुत ही उपजाऊ हो गई थी तथा नदी में नौकायों से व्यापार होता था, मैंने होने लगा था। ये था हमारा महाजनपद काल में कृषि के दूषित के क्षेत्र में आए 2 बड़े बदलाव। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 12 नंबर, जिसमें दिया है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाइए, आज इनमें से क्या क्या आप खाते हैं लिखिए। तो देखिए हड़प्पा के लोगों की जो भोजन की सामग्री थी वो निम्नलिखित है, और वो किस प्रकार से है, गेहूँ जौ की रोटी और फल और मांस और मछली खाती थी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। और आज इनमें से हम लगभग सभी सेवन करते हैं, मतलब सभी चीज़ों का सेवन करते हैं। फिर अगला आंसर जो होगा हमारा प्रश्न 3 का होगा, तो हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के 2 उदाहरण लिखिए। मतलब कि हमारे आसपास जो सामाजिक समानता है उसकी स्थिति के 2 उदाहरण लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है नीचे दिए गए हैं समानता के 2 उदाहरण, एक साथ मिलकर रहना और दूसरा भाईचारे की भावना बनाए रखना, ये हमारी समानता के 2 उदाहरण हैं। फिर इसके बाद में है, नाव प्रतियोगिता किस त्यौहार से संबंधित है। तो जो नाव प्रतियोगिता है वो हमारी नाव प्रतियोगिता है जो वो केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार के ओणम का एक विशेष आकर्षण है, ठीक है, मतलब ये ओणम से संबंधित है। इसके बाद में हमारे लिए प्रश्न 4 में लिखा गया है एक चित्र, तो इस चित्र को देख करके हमें नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो जिसमें दिया है पहला, मतलब कि ऊपर दिए गए चित्र को देख कर देनी है। तो इसमें पहला आंसर है कि मतलब अतः करीम का घर ई से पोस्ट ऑफिस की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब जो प्रश्न है वो है करीम का घर ई और पोस्ट ऑफिस ए के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो करीम का घर ई पोस्ट से ऑफिस से ए की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ई से ए तक की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि करीम का घर भी पोस्ट ऑफिस से 12 सेंटीमीटर दूर है। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न होगा हमारा, तो यहाँ पर इसका आप आंसर देख सकते हैं कि मतलब आता है करीम का घर ई से मतलब ई पोस्ट ऑफिस की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 5 दिया गया है, जिसमें है जल संरक्षण के तरीके। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न 5 में दिया है जल संरक्षण के कोई 2 तरीके बताइए और उससे होने वाले लाभ लिखिए। तो यहाँ पर तरीके में है, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता होनी चाहिए, मतलब जागरूकता होनी चाहिए, और बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टपका उपयोग करें, ठीक है। और इसके जो लाभ हैं वो है पानी की बचत होगी और पानी ज़्यादा व्यर्थ नहीं होगा, ये इसके 2 लाभ हो गए। फिर इसके बारे में अगला प्रश्न है उसी 5 नंबर का बा, जिसमें दिया है निम्नांकित राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों की सूची बनाइए। तो मतलब यहाँ पर हम व्यंजन लिखेंगे उस राज्य के सामने कि पंजाब में कौन कौन से व्यंजन चलते हैं और गुजरात में कौन कौन से और उत्तराखंड में कौन कौन से और तमिलनाडु में छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए पंजाब में है मतलब पराठा हलवा पूरी फालूदा लस्सी छाछ आदि, और गुजरात में ढोकला खांडनी लापसी और बाफला थोपला, ये टाइप के क्या है ऐसे खाद्यान्न है या व्यंजन है। और उत्तराखंड में जो है वो आरसा चोर चेसोड़ी भांग की चटनी उभाड़ी आदि, ये सब हैं उत्तराखंड के मतलब व्यंजन। और तमिलनाडु के इडली डोसा सांभर मेंदूवाड़ा और भज्जी आदि। इसके बाद में है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में क्या चलता है, नुनहा चीला गोहरा चीला और गुरहा लड्डू आदि। तो ये हो गए इसके व्यंजन जो कि राज्य दिए गए थे। अब अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6, जिसमें दिया गया है 6 के आ में अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहारों की सूची बनाइए। तो हमारे क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहार निम्नलिखित हैं, ठीक है, जिसमें
हमारे हिंदुओं के चार प्रमुख त्यौहार जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा आदि हैं और तथा कुछ त्यौहार जैसे ईद, मुहर्रम और क्रिसमस डे आदि। ये क्या हैं? कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 का 12 नंबर का है, जिसमें दिया है अपने पसंद के त्यौहार के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण दीजिए। तो यहाँ पर त्यौहार का नाम लिखेंगे तो त्यौहार का नाम हो जाएगा दीपावली। इसके बाद में अगला जो है, यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये हो जाएगा उसका अगला पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह त्यौहार राम लंका, मतलब यह त्यौहार जब राम लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता को वापस अयोध्या लाए थे उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो ये इसका रीजन हो गया कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है दीपावली। फिर अगला प्रश्न है, यह त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है, जो कि तीसरे नंबर में है उसी का बिंदु है यह प्रश्न, यह त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। तो दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। इस दिन सभी हिंदू, चाहे वो धनी हो अथवा निर्धन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। मान्यता है कि श्री गणेश लक्ष्मी की पूजा करने से इस दिन धन की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दीपावली को मनाते हैं, हमने ये बता दिया है। अगला प्रश्न भी है इसी का, उसमें बताया है कि यह त्यौहार आपको क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर यह त्यौहार अच्छाई, मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, ठीक है। और भगवान, मतलब भगवान राम ने स्वयं ही श्री मुख से कहा है, सखा धर्ममय रस रथ जावे, जीवन सके ना कतहु रिये तावे। तो इसलिए यह क्या है, त्यौहार मतलब कि पसंद है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब कि कैसे समाज विज्ञान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसके लिए नोट कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। सो देखने के लिए धन्यवाद और डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रीएमपी स्टडी।